स्वागत है आपका सुधीर ऑनलाइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन की तरफ से आई हुई वैकेंसी 287 पदों पर निकाली गई है, उसका फॉर्म फिल कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है दो तरह की अलग अलग पदों पर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं मोबाइल से ही फॉर्म फिल करके बताऊंगा, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए इन वेबसाइट पर जाना, जो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ लिंक, उस लिंक पर जाकर आप सीधे डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आ जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आ जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नेक्स्ट वेबसाइट, अब इस प्रकार आपको लिंक मिलेगा। देखिए यह अप्लाई ऑनलाइन लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल को लैंडस्केप में करेंगे और ऊपर में राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद मोबाइल को डेस्कटॉप साइड में कर लेनी है। डेस्कटॉप साइड में कर देने के बाद अगर आप न्यू यूजर हैं तो न्यू यूजर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। या फिर ओल्ड है, अभी पहले कर चुके हैं आईटीबीपी का अप्लाई, तो आपको सीधे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं न्यू यूजर का अप्लाई करने के प्रोसेस बताता हूं। तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखें नेक्स्ट प्रोसेस जो आपको हुआ। यहाँ आपको नाम डालना है, मैट्रिकुलेशन के अनुसार डालेंगे, मैट्रिक पर सर्टिफिकेट पर जिस पर नाम है वही डालेंगे। तो यहाँ आपको आपका फर्स्ट नेम डाल देना है, यहाँ मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे और नहीं तो लास्ट नेम डालेंगे। ये डाल देने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको ईमेल आईडी डालना है, यहाँ दोबारा से ईमेल आईडी डालना है, जो वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए उस पर कह के जाएगा लिंक। उसके बाद न्यू पासवर्ड बनाएंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड बनाने का आपको प्रोसेस बता देता हूँ, इसमें अपर केस लोअर केस कैपिटल लेटर सभी होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि आपको नाम है अमित, तो आपको इस प्रकार बनाना है, जैसे अमित फर्स्ट लेटर कैपिटल देना है फिर स्मॉल देना है, अमित @123, इस प्रकार अपना पासवर्ड बना सकते हैं। चलिए नीचे मैं बात करते हैं, उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे, कैलेंडर आ जाता है डेट ऑफ बर्थ चूज करने के लिए। जो भी आपका मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ है आप सिंपली इस पर चूज कर सकते हैं अपने अनुसार। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चंस, आपको यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन ले लेनी है, जो भी आपका अपना पसंद है, जो भी जैसे फेवरेटिक कलर है, गेम है, टीचर है, जो भी स्कूल है, मोबाइल नंबर है, मोबाइल ब्रांड है, जो भी आप लेंगे उसके अनुसार यहाँ आपको आंसर दे देनी है। जैसे स्कूल के बारे में आप चूज किए हैं तो यहाँ स्कूल का नाम दे देंगे। ये आपको काम आता है अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको पासवर्ड रिकवर करने में ये मदद मिलता है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ कैप्चा जो जा रहा है सिंपली इस बॉक्स पर आपको फिलअप कर देनी है। कैप्चा फिलअप कर देने के बाद देखिए जो नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कर देनी है। यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद आपको वैलिड ईमेल आईडी पर एक जाएगा मैसेज के माध्यम से आपको लिंक जाएगा, उस लिंक पर जाकर आपको ईमेल डालना है एंड पासवर्ड जो बनाए हैं वो पासवर्ड डालना है, वहाँ से एक्टिव कर देना है। एक्टिव कर देने के बाद आपको सीधे यहाँ होम पेज पे आ जानी है और जो लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको लॉगिन होने के लिए यहाँ ईमेल आईडी आपको डालना है, जो ईमेल आईडी आपने डाला, और पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आप बनाएं वो पासवर्ड डालना है। और यहाँ अगर आपको ईमेल आईडी पर अभी तक ओटीपी नहीं गया है तो सिंपली आपको रिसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ईमेल डालना है एंड पासवर्ड जो बनाए वो डालना है और उस प्रकार फिर से रिसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको मेल पर पासवर्ड लिंक जाएगा, उस पर फिर से वैलिड कर देनी है आपको। अगर आपको पासवर्ड और ईमेल पर पासवर्ड लिंक चल गया वैलिड कर दिए तो सिंपली आपको यहाँ फर्स्ट में ईमेल आईडी डालना है, यहाँ जो पासवर्ड बना है वो डालना है और यहाँ इन कैप्चा को
फिल करना और सीधे लॉगिन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं डालकर सारा बता, यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको इस प्रकार ओपन होगी। यहाँ जो देखिए फर्स्ट में आपको प्रोफाइल डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद देखिए, अगर आप पहले से RTBP का कोई भी फॉर्म अप्लाई किए थे तो आपको यहाँ प्रोफाइल देखने के लिए मिलेगा, जो कि पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, जो मैंने पहले से अप्लाई कर चुका हूँ। तो इसे अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको यहाँ फर्स्ट नेम डालना है, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, नहीं तो यहाँ लास्ट नेम डालेंगे। ईमेल आईडी आपको यहाँ वैलिड रहेगा, मोबाइल नंबर यहाँ आपको डाल देनी है, फादर नेम डालेंगे यहाँ, मदर नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ मेंशन रहेगी। उसके बाद कंट्री को आप चूज कर लेनी है, सिंपली आप उस प्रकार फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ एड्रेस डाला है, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस में एड्रेस वन में आप डालेंगे विलेज डाल देंगे, पोस्ट डाल देंगे एंड पुलिस स्टेशन डाल देंगे। एड्रेस टू में वैलिडिटी नहीं है, डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद अपना आप उसके बाद स्टेट को चूज कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे, आपका एरिया का जो भी पिन कोड है वो पिन कोड देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आ जाता है क्रोस्पोंडेंस एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड क्रोस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम सेम है तो हमें ई वाला बॉक्स पर क्लिक करके दोनों सेम सेम कर लेंगे, अगर अलग अलग है तो आप यहाँ अलग अलग दोनों डाल सकते हैं। एड्रेस डाल देने के बाद नीचे आएंगे अदर डिटेल्स पर, यहाँ से आपको रिलीजन चूज कर लेनी है, यहाँ से नेशनलिटी चूज कर लेनी है। उसके बाद नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आएंगे, यहाँ क्वालिफिकेशन आपका मांगना है। यहाँ दो तरह का पोस्ट है, यहाँ टेंथ क्लास पर भी पोस्ट है यानी ITBP भी। अगर आप हाईएस्ट पास हैं, स्कूल पास हैं, दसवीं पास है तो यहाँ दसवीं की जानकारी डालेंगे और यहाँ इंस्टीट्यूट नेम लिखेंगे यानी यहाँ फुल मार्क्स डाल देंगे। उसके बाद दसवां पास के बाद अगर आप ITI किए हैं तो यहाँ ITI कार्ड डालेंगे यानी यहाँ स्कूल नेम डालेंगे, यहाँ ट्रेड डालेंगे। अगर आप ITI नहीं किए हैं, ट्वेल्थ किए हैं तो ट्वेल्थ का यहाँ जानकारी दे देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से आपको जेंडर चूज कर लेनी है, जो भी आपका जेंडर है यहाँ से मैरिटल स्टेटस चूज करना है। उसके बाद सिंपली नीचे आएंगे, यहाँ से आपको कैटेगरी चूज कर लेना, जो भी आपका कैटेगरी है कैटेगरी चूज कर लेंगे। यहाँ से आपका एक सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन है किसी प्रकार की ITBP में एम्प्लॉय है, एक सर्विसमैन है, गवर्नमेंट सर्विस है, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। और कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली अनएम्प्लॉय पर यहाँ पर ऑप्शन जा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। रेशियो यहाँ बताया जा रहा है थर्ड में, जो 1989 में जम्मू एंड कश्मीर का अगर आप निवासी हैं तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देनी है। सेकंड में आ रहा है 1984 में जो दंगल हुआ था उसमें क्या आप शामिल थे, अगर शामिल थे तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी भी इसमें शामिल नहीं है तो जो लास्ट में का जो ऑप्शन आ रहा है सिंपली इस पर क्लिक कर देनी है। ये सारा डिटेल डाल देने के बाद आपको ये सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद देखिए जो यहाँ ऑप्शन आ रहा है, आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन ऑफ प्रोफाइल डिटेल्स यू कैन बी अप्लाई, यहाँ आपका सब सक्सेसफुल हो चुका है तो सीधे आपको इस पर क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आप डायरेक्टली होम पेज पे आ जाएंगे, यहाँ से आपको प्रोफाइल डिटेल जैसे कंप्लीट हुआ है आप आता है अपलोड इमेज का ऑप्शन, सिंपली इस पर अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना है। अपलोड इमेज पर क्लिक कर देने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ यहाँ आपको फर्स्ट में यहाँ आपको फोटो चूज कर लें अपलोड करना है, यहाँ सिग्नेचर फोटो एंड सिग्नेचर का साइज जो देखिए यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ 30 से 40 KB 100 KB के बीच में फोटो का साइज होना चाहिए और यहाँ सिग्नेचर का साइज जो है 15 से 30 KB के बीच होना चाहिए। अगर आपको फोटो एंड सिग्नेचर रिसर्च करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो देख सकते हैं और फोटो एंड सिग्नेचर रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देने के बाद यहाँ जो टर्म का ऑप्शन आ रहा है एग्री का, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ अपडेट कर देनी है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देने के बाद अपडेट कर देने के बाद जो देखिए लास्ट में थर्ड में आ रहा ऑप्शन अपलोड डॉक्यूमेंट का, सीधे आपको इस पर क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक कर देने के बाद अगर आपको यहाँ से किसी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट मांगती है तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, और नहीं मांग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम डॉक्यूमेंट जो है किसी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है
तो सिंपली इसको छोड़ देंगे। एंड लास्ट जो देखिए फोर्थ नंबर में आ रहा है अप्लाई का ऑप्शन, सिंपली इस पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक कर देने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए इतना सारा सारा जो पोस्ट है वो आपके सामने इस प्रकार खुल रहा है। अब इसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखिए जो यहाँ पोस्ट बताया जा रहा है इसमें 3 पोस्ट पर मैं जो कि एलिजिबल हूँ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली उस पोस्ट पर जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई जोन फोर फी एप्लीकेशन, सीधे उस पर क्लिक कर देनी है। यहाँ जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर सीधे आपको क्लिक कर देनी है। उस पर क्लिक कर देने के बाद जो देखिए यहाँ प्रीव्यू आपको सामने खुल जाती है कुछ इस प्रकार। यहाँ आपको अगर सारा डिटेल अगर आपका सही है तो सिंपली आपको यहाँ जो एग्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ फर्स्ट में आपको प्रीव्यू खुलता है। जो आपको किसी भी प्रकार की कोई यहाँ से दिक्कत है या गलत है आपको तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अगर आपका सब चीज़ सही है तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ भी आपका टर्म एंड कंडीशन को एग्री पर क्लिक करेंगे और ये जो पेज जो है आगे ले जाएगी। देखिए यहाँ आपको डायरेक्टली जो है से नेक्स्ट करने के बाद पेमेंट गेटवे पर ले जाता है। तो यहाँ जो SC ST का मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पेमेंट जो है से एक्सपेक्टेड लिख रहा है जो कि इसका पेमेंट नहीं लगेगी। आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ एग्री पर क्लिक करेंगे एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद आपको जो देखिए फाइनल प्रिंट आउट आपके सामने आएगी ये कुछ इस प्रकार। देखिए मैंने अभी अप्लाई किया जो कि है ट्रेडमैन का, इसका मैंने अप्लाई किया और जो टेलीकम्युनिकेशन है फर्स्ट में पहले से ही अप्लाई है। तो चलिए इसका अपने प्रिंट आउट अपलोड कर डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो सीधे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक कर देने के बाद देखिए आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से देखिए फाइनल प्रिंट आउट आपके सामने आ गया है। इसे आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, जो देखिए प्रिंट एप्लीकेशन का हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे और अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेनी है और अच्छा से रख लेनी है। तो आप इस प्रकार अपने मोबाइल से जैसे ITBP ट्रेडमैन कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन का अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा आपको वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं, चलिए आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।